वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज समर्स किचन में बनेगा आलू गोश्त का शोरबा, शोरबे वाला आलू गोश्त, जो कि स्पेशल ईद के लिए रेसिपीज बना रही हूँ। ये देखें, मेरे पास दो बड़े बड़े प्याज हैं, 2 टेबलस्पून अदरक है और 2 गुठली जो है वो लहसुन की है, 2 बड़े बड़े टमाटर हैं जो मैं चॉप करके रखे हुए हैं, और ये देखें, ये तकरीबन 1 किलो आलू है, और 1.5 kg जो है वो गोश्त है। अच्छे से इसको धो लेना है। ये देखें, बहुत अच्छा सा मैंने धो के रखा हुआ है। अब ये देखें, ये सादे से तरीके से बनाना है और सिंपल सा बनाना है। ये देखें, हल्दी है 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून कलवंजी है, 1/2 टीस्पून राई के बीज हैं, सरसों के बीज जिसको कहते हैं। तो ये मेरे पास 2 ग्लास वाला मग है जो मैंने रखा हुआ है पानी का। ये देखें, ये 2 ग्लास पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये देखें, इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। ठीक है, अब ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च भी डाल दूंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन, हर चीज मैंने डाल दी है। अब हम इसको ये चूल्हे पे चढ़ा देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। ये तकरीबन मैं 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी। 20 मिनट बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, क्योंकि ये सिंपल से बहुत अच्छा लगेगा ईद पे आप बनाएंगे। ये लें जी, ये रख के मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। इतने में इंशाल्लाह ये हमारा आलू गोश्त जो बना रहे हैं वो गल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए नाजरीन, अब मैंने आधे घंटे बाद इसको खोला है। ये देखें, ये इतना अच्छा गल चुका है। ये देखें, हड्डी से बिल्कुल गोश्त जो है वो उतर चुका है। अब मैं इसके अंदर, ये देखें, पानी भी सूख गया है। ये देखें, अब मैं 1 कप ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट, क्योंकि पका हुआ तो ये पहले से बहुत अच्छा है। ये देखें इसकी खूबसूरती किस तरह आ गई है, गल भी बहुत अच्छा गया। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू थोड़े हम बड़े बड़े बनाएंगे, काटेंगे, ताकि खूबसूरत लगे और टूट ना जाए। तो ये आप बड़े बड़े आलू काटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, खाने में भी मज़ा आएगा। ईद पे ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। ईद पे मैं भी बनाऊंगी। मैं ईद पे आपको लीवर बनाना बताऊंगी, कलेजी जो होती है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम तकरीबन 1 मिनट और भूनेंगे। ये देखें, अब मैं इसके अंदर तकरीबन, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, मैं तो 2 ग्लास पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, चलो मैं भी ज़्यादा ही डाल लेती हूँ। क्यों, देखिए नाजरीन, मैं 3 ग्लास डाल लूँगी। अब वो पानी डाल लिया तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको बताती हूँ। ये मेरे पास दालचीनी के 2 या 3 डलियाँ दालचीनी की हैं, और ये काली मोटी इलायची है, अंदर से बीज मैंने निकाल के रख ली है। ये खाली इसका कवर जो छिलका है वो डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे। ये इंशाल्लाह इसमें इतनी खुशबू आ जाएगी कि ये बहुत मज़ेदार सी खुशबू, जब ढक्कन उतारेंगे तो इसकी खुशबू बेहतरीन होगी। तो
इंशाल्लाह अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू हमारे गल जाए और मज़ीद हमारा गोश्त जो है वो और अच्छा पक जाए। नाज़रीन ये सादा सा सिंपल सा है, आप ईद पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएगा और मज़ेदार भी बहुत बनेगा। क्योंकि कभी कभी पतला शोरबा खाने को दिल चाहता है तो ये इस पतला शोरबा बना के खाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा शोरबा जो है वो इसी तरह बनता है। धनिया थोड़ा ज्यादा डालेंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे 2 अदद, आपका टेस्ट भी है, टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह आलू शोरबा गोश्त का और आलू का शोरबा तैयार हो गया है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें साथ चावल उबाइल करें, रोटी बनाएं, जो भी आपको पसंद है वो बनाएं और खाएं, मज़ा करें। ये देखें नाज़रीन शोरबा जो है आलू गोश्त का तैयार हो गया है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।